हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए कितना टेस्टी है ना हमारा भिंडी दो प्याजा। तो भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 12 से 15 भिंडी ली है, जिसका कि वेट में लगभग 250 ग्राम के आसपास होगा, 250 से 300 ग्राम के आसपास। तो सारे भिंडी को हमने धो के अच्छे से पोंछ के इसे सुखा लिया है और इसको इस प्रकार के शेप में काटेंगे। एक भिंडी को 3 से 4 टुकड़ों में काटेंगे। तो हमने सारे भिंडी को इसी प्रकार से काट लिया है। अब हम इसके लिए प्याज लेंगे। प्याज हमने लगभग मीडियम साइज का 3 प्याज लिया है। तो इसका इसको हम छील के पीछे से इसका ये निकाल देंगे, पीछे वाला ये जो जड़ का होता है, क्योंकि ये जल्दी पकता नहीं है, तो हम इसको निकाल देंगे अच्छे से। तो प्याज को हमने पहले 4 भागों में काट लिया है अच्छे से। तो 4 भागों में काटने के बाद हमने इसके स्क्वायर का रूप दिया है प्याज को, ताकि ये देखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगे। इस प्रकार से हम ऊपर वाले हिस्से को थोड़ी सी काट देंगे, काट के निकाल देंगे, तो बाकी जो बच जाएगा लगभग स्क्वायर शेप में बन जाएगा ये। अब इसके सारे लेयर को हम अलग कर लेंगे एक एक करके। तो इसी प्रकार से हमने सारे प्याज का इस प्रकार से काट के लेयर अलग कर लिया, और जो हमने काट के अलग वाले हिस्से को रखा है उसे बारीक बारीक रफली चॉप कर लिया है इस प्रकार से। तो हमने एक टमाटर लिया, उसका प्योरे तैयार किया है। अदरक लहसुन, अदरक हमने लिया है 1/2 इंच के आसपास, और लहसुन 3 से 4 कलियाँ लिया हमने, और मिर्ची 3 से 4, उस मिर्ची को हमने 4 भागों में काटा है। तो अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल हमने 3 से 4 बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया फ्रेंड्स। अब उसमें भिंडी डालेंगे और भिंडी को लगभग 70-80% तक पकाएंगे। हमें पूरी भिंडी को नहीं पकानी है, क्योंकि मसाले के साथ भी इसे पकानी है। तो ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है फ्रेंड्स। तो हमारा भिंडी लगभग 70-80% पक चुका है, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा इस प्रकार से कुछ पका है भिंडी, बहुत ही अच्छा पका है ये। अब हम प्याज को जो स्क्वायर शेप में काटा था उसे थोड़ी सी सेल्फ फ्राई करेंगे, हम ज़्यादा इसे पकाएंगे नहीं। क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो फिर इसका टेस्ट वो निकल जाएगा। तो हमने प्याज को पका लिया है। अब हम इसमें आधी चम्मच से भी कम थोड़ी सी जीरा इस्तेमाल करेंगे, और अजवाइन आधी चम्मच से कम, दोनों को हमने डाला है तेल में। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो हमने रफली चॉप किया था प्याज। फिर इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज को भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट तक इसको केवल ब्राउन करना है। और ये अदरक लहसुन भी हमारा लगभग भुन चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो इसे भी हमने 1 मिनट तक पका लिया। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाले में फ्रेंड्स हमने आधी चम्मच हल्दी,
आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है। हमने लाल मिर्च का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। आप चाहे तो लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको तीखा अगर ज़्यादा पसंद हो तो। और मसाले में हम थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, पानी से में ज़्यादा डालने नहीं है। तो मसाला हमारा 1 से 2 मिनट तक मसाले को भूनेंगे। तो मसाला हमारा फाइनली भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर का जो प्योरे तैयार किया था वो ऐड करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो हमारा ये मसाला बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे जो हमने फ्राई किया था भिंडी को, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसी समय हम इसमें हमने जो प्याज को फ्राई किया था उसे ऐड करेंगे। इसमें ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हम प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे जिसमें फ्राई करेंगे उसी समय केवल इसको सुनहरा होने तक पकाएंगे, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये फाइनली हमारा पनीर दो प्याज़ा बनके तैयार है फ्रेंड्स। और हमने लास्ट में गरम मसाला का प्रयोग किया है, इससे टेस्ट दुगना हो जाता है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा भिंडी दो प्याज़ा बनके तैयार है फ्रेंड्स। आप इसे भिंडी प्याज की सब्जी भी बोल सकते हैं, जो चाहे नाम आप इसका दे दें। तो देखिए कितना अच्छा ये बनके तैयार है हमारा फ्रेंड्स, भिंडी दो प्याज़ा। तो आप भी चाहें तो अपने फैमिली में बनाएं और फैमिली को खिलाएं। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।